क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन कॉलिंग के बारे में, बट इस बार फंक्शन कॉलिंग हम असिस्टेंट एपीआई के अंदर कॉल करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि इसी वीडियो को बेस बना के, इसी कोड को बेस बना के आगे हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे फंक्शन कॉलिंग का असिस्टेंट एपीआई के थ्रू। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और फंक्शन कॉलिंग को समझते हैं। इस फंक्शन कॉलिंग को जरा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगी। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग जो है, जब कोई हम ऐसा प्रॉम्प्ट पास करते हैं या ऐसी कोई क्यूरी करते हैं जिसका ताल्लुक एलएलएम के डेटाबेस से नहीं है, किसी और डेटाबेस से है, तो उस वक्त हम प्रॉम्प्ट के साथ हम उसे कुछ फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, फिर एलएलएम उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस में रिटर्न में हमें कुछ फंक्शन वो देता है कि आप अपनी प्राइमिसेस में ये फंक्शन को कॉल करें। इस फंक्शन के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स आप मुझे दोबारा प्रोवाइड करें और उससे मैं प्रोसेस करके आपके प्रॉम्प्ट का जवाब दे दूंगा। ये होती है फंक्शन कॉलिंग और इसको हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में जाना था, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। अब इसको अगर हम सीखे, इसको समझे कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना भी सीख रहे हैं, तो इसके अंदर वो एक असिस्टेंट बना रहा है जिसको इंस्ट्रक्शन मतलब बिहेवियर बता रहा है कि आपका बिहेवियर क्या है। वेदर पढ़ने वाला जो एक वेदर बताने वाला बंदा है वो है कि भाई आप एक वेदर के बारे में हमसे बात करोगे, यू आर अ वेदर बोट। ठीक है, वो एक वेदर बोट है। उसका मॉडल ये कह रहा है, चैट जीपीटी 4 मॉडल ये इस्तेमाल कर रहा है। आपके पास जो भी हो, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद एक इजाफी पैरामीटर है टूल्स। टूल्स क्या है? एरे ऑफ डिक्शनरी। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फंक्शंस की डिटेल है, जो फंक्शन हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी डिटेल है। अब अगर आपको याद हो, हम फंक्शन कॉलिंग की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं तो अब आपको याद आ जाएगा कि हमने एक फंक्शन बनाया था या इन्होंने एक फंक्शन बनाकर दिया था और इस फंक्शन को हम इस पैरामीटर के अंदर पास करते थे चेट कॉम्प्रीहेंशन को। और ये चेट कॉम्प्रीहेंशन को दो प्रॉम्प्ट पास करते थे, लाइक हमारा मैसेज मतलब हमारा प्रॉम्प्ट और टूल्स। टूल्स में हमारे फंक्शंस की डिटेल थी। तो एक्चुअली ये वही टूल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो फंक्शन है उनकी डिटेल्स हैं। क्लियर हो गया? इसके अंदर हमारे फंक्शन के नाम, पैरामीटर, रिक्वायर पैरामीटर, ये तमाम चीजें इसके अंदर हम इसे प्रोवाइड करते हैं। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि जब असिस्टेंट बनाएंगे तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है टूल्स का, जिसके अंदर हम एरे ऑफ डिक्शनरी पास करेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे फंक्शन के ऑब्जेक्ट होंगे। चलें, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद वो कह रहा है कि देखो, अगर आप इसको कंसोल करो, इसको प्रिंट करवाओ, तो ये आंसर आएगा। और इसके अंदर एक और नई चीज हमारे सामने आई, लाइक स्टेटस। अभी तक हमारे सामने क्या क्या स्टेटस आ रहा है? क्यू, इन प्रोग्रेस और कंप्लीट। और इस बार एक नया स्टेटस सामने आया, रिक्वायर्ड एक्शन। रिक्वायर एक्शन का क्या मतलब है? रिक्वायर एक्शन का यही मतलब है कि जब हम ऐसी क्यूरी करते हैं जिसके अगेंस्ट कोई फंक्शन कॉल होना है और वो फंक्शन जो भी रिस्पॉन्स करेगा वो रिस्पॉन्स दोबारा हमारे रन के अंदर जाएगा, वो प्रोसेस होगा एलएलएम के पास और फिर दोबारा हमें आंसर किया जाएगा। तो इसके अंदर वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक्शन रिक्वायर। एक्शन रिक्वायर का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सबमिट टूल्स आउटपुट्स है, उसके अंदर टूल्स कॉल्स है। टूल्स कॉल्स के अंदर वो फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो एक्शन है, मतलब वो हमें कॉल करने हैं अपने प्राइमिसेस के अंदर, और उसके अगेंस्ट जो भी आंसर होगा वो दोबारा हमें सबमिट करना है। ठीक है, तो ये याद रखें, टूल्स कॉल्स जो है इसके अंदर हमें वो फंक्शन रिक्वायर्ड है और वो फंक्शन दिए गए हैं जो हमें अपनी प्राइमिसेस में कॉल करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है कि जब रन बन जाएगा, वो चल जाएगा, उसका स्टेटस रिक्वायर एक्शन के ऊपर आ जाएगा, तो तब आपको क्या करना है, वो एक्शन परफॉर्म हो जाएंगे और उसका जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको एरे ऑफ डिक्शनरी में इस कोड के अंदर जमा करवाना है। और इस कोड के अंदर कहां जमा करवाना है? इस कोड के अंदर आपको इस तरह से जमा करवाना है, मतलब आपको टूल आउटपुट्स की एक एरे ऑफ डिक्शनरी बनानी है। ये वर्डिंग मेरी याद रखें, क्योंकि अभी आप जब कोड देखेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा अहमियत नजर आएगी। टूल्स आउटपुट्स की एक एरे ऑफ डिक्शनरी बनानी है, उसको आपको जमा करनी है टूल्स आउटपुट्स के अंदर, सॉरी एरे ऑफ डिक्शनरी जमा करवानी है, जिसके अंदर जो फंक्शन रिटर्न करेगा, जो फंक्शन का आउटपुट होगा, देखो ये फंक्शन का आउटपुट है, मतलब फंक्शन यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा है, तो ये चीज जो है आपको उस फंक्शन की आईडी के साथ जमा करवानी है एरे ऑफ डिक्शनरी में।
ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है कॉपी पेस्ट है, टोटल टोटल कॉपी पेस्ट है। मतलब हमें क्या चीजें जमा करवानी है, तीन चीजें जमा करवानी है। एक तो एरे ऑफ डिक्शनरी, वो क्या है, वो ये है एरे ऑफ डिक्शनरी। इस एरे ऑफ डिक्शनरी के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो उस फंक्शन की आईडी होनी चाहिए जो कि ये रही, और दूसरा उसका रिजल्ट, उसका रिस्पॉन्स या उसका आउटपुट जो कि ये रहा। यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। बाकी ये तो रिवायती कोड है कि थ्रेड आईडी होनी चाहिए और रन आईडी जो होना चाहिए, ये तो रिवायती कोड है, इसलिए मैंने बात नहीं की। तो हमें ये चीज देखनी है, उसके बाद हम अपने डिटेल वाले कोड को समझते हैं। मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर और इसे बिल्कुल डिटेल में इनिशियल लेवल पे समझते हैं इसी बात को। यहां पे हमने वही अपना जो है चीजों को इंपोर्ट किया हुआ है, लाइक ओपन एआई और डॉट ईएनवी, ताकि मेरा कनेक्शन बन जाए। उसके बाद मैंने क्लाइंट के साथ अपना कनेक्शन बना लिया। किस तरह बनाया कि ओपन एआई के फंक्शन को कॉल किया और उसको क्लाइंट के अंदर सेव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दो फंक्शन बनाए। कौन से फंक्शन, गेट करंट वेदर और गेट निकनेम। ये दो फंक्शन मैंने बनाए जिसके अंदर कुछ कंडीशन की बुनियाद के ऊपर कुछ डेटा रिटर्न हो रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि भाई अगर इफ टोक्यो हो तो यहाँ पे ये रिटर्न कर दो, अगर एंजलिस हो तो ये रिटर्न कर दो। तो इस तरह से कुछ चीजें रिटर्न की जा रही है और ये हार्ड कोडेड डायनामिक नहीं है, लाइक इसी एपीआई के थ्रू भी हो सकता था, वो हम प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे, जो मैंने भी आपसे शुरू में बात की। उसके बाद दूसरा फंक्शन है जो कि निकनेम जो है हमें रिटर्न कर रहा है टोक्यो, लॉस एंजलिस और पेरिस का। तो ये दो फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन है और कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शन। नॉर्मली हमने दो फंक्शन डिफाइन किए जिसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन है और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम दो चीजें पास करेंगे, मैसेजेस और ऑब्जेक्ट। वो उसको जेसन में रिटर्न करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस ऑब्जेक्ट को जेसन में रिटर्न करेगा और कुछ नहीं, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है। इस फंक्शन का और कुछ भी ताल्लुक नहीं है इस प्रोग्रामिंग से, ये फंक्शन सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है ताकि हमें पता चले कि उस ऑब्जेक्ट में क्या चीज आ रही है और कुछ भी नहीं। अगर ये फंक्शन ना भी बनाए तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्लियर है। आगे आ जाते हैं, जाहिर कोड पे मिटाता जाऊंगा ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये टाइप्स थी, फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, हम कोड को समझ रहे हैं। अब बात आ गई असिस्टेंट के ऊपर। अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर देखा था कि जब हम असिस्टेंट बना रहे हैं तो इस बार हम एक इजाफी पैरामीटर पास कर रहे हैं टूल्स का, बाकी इंस्ट्रक्शन उसका बिहेवियर है, मॉडल के वो किस मॉडल के ऊपर काम करेगा। हम 3.5 के ऊपर हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर 4 था, ठीक है, चैट जीपीटी 4 था, हमने यहाँ 3.5 लिखा हुआ है। और टूल्स के अंदर हमने उसको वही दो फंक्शन की डिटेल दी है जो कि ऊपर हमने प्रोवाइड किए, ये रहा, लाइक उनका नाम, ठीक है, उसका नाम क्या है, गेट करंट वेदर, और दूसरे का नाम हमने दे दिया गेट निकनेम। और इस तरह जितने भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उन तमाम फंक्शन को इस टूल्स के अंदर हमें प्रोवाइड करना है। और इसके अंदर हमने इसे बता दिया कि इसके पैरामीटर्स जो हैं कितने पैरामीटर्स हैं और उस पैरामीटर में कौन से रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं, ये तमाम चीजें हमने इसको बता दी, ठीक है। इसको भी यहां से इस तरह से कर देते, तो ये नॉर्मल कोड हो गया। अगर आप देखें तो असिस्टेंट के अंदर एक इजाफी पैरामीटर है टूल्स का, टूल्स हमने अभी रीड कर लिया, इसके अंदर और कुछ भी नहीं। और टूल्स को मैंने आपको फंक्शन कॉलिंग में कनेक्ट भी कर दिया कि लास्ट टाइम जो फंक्शन कॉलिंग हमने पढ़ा था वो उसके अंदर भी टूल्स था, ये वही टूल है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बनाना तो अब हमारे लिए बाएं हाथ का काम हो गया, उसके नॉर्मली हमने थ्रेड बनाया। अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहें प्रिंट करवा दें, प्रिंट के अंदर इसकी आईडी वगैरह ये चीजें आ जाएगी जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। थ्रेड बनाने के बाद हमने इसको क्या किया, एक मैसेज क्रिएट किया। वो मैसेज क्या है, जो मैसेज हम चाह रहे हैं, जो क्यूरी हम चाह रहे हैं, लाइक ये वो हमारा प्रॉम्प्ट है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है कि भाई हम क्या चाह रहे हैं, हम लॉस एंजलिस का वेदर जो है वो जानना चाह रहे हैं कि क्या है, ठीक है। तो हमने ये इसको प्रोवाइड किया और ये जो है वेदर का जो डिटेल है वो हमारे एलएलएम के पास नहीं है, वो हमारे फंक्शंस के अंदर उसकी डिटेल है, हमारे फंक्शंस के अंदर उसकी डिटेल है जो ऊपर अभी हमने ये बनाए हैं, ठीक है। इसके अंदर वो डिटेल्स है कि भाई लॉस एंजलिस ये रहा, कि लॉस एंजलिस का वेदर क्या है, वो ये है वेदर, ओके। यहां तक भी बात समझ में आ गई कि नॉर्मली एक मैसेज क्रिएट किया है जिसके अंदर कंटेंट है, मतलब हमारा प्रॉम्प्ट है और कुछ भी नहीं, ये भी हम नॉर्मल करते हैं, इसके अंदर कोई और नई चीज नहीं है और ये भी कॉपी पेस्ट है।
अगर डिस्प्ले करना चाहें मैसेज को तो आप कर सकते हैं। डिक्शनरी के तहत मैंने डिस्प्ले किया है ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। ओके, यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट कंटेंट के अंदर, वैल्यू के अंदर हमारा प्रॉम्प्ट है। ओके, और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन से हम कर चुके हैं सारी चीजें, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने रन क्रिएट किया, रन के अंदर वही थ्रेड आईडी और असिस्टेंट आईडी पास की, ये भी सही है। अगर इसको डिस्प्ले करना चाहें तो बिल्कुल कर लें इसको, बल्कि जरूर डिस्प्ले करें, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर इस बार हमें टूल्स मिल रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे हमें टूल्स मिल रहा है, और टूल्स के अंदर हमें वो फंक्शंस की डिटेल मिल रही है जो इसको हमने प्रोवाइड की है ऊपर। ये बात भी अच्छी समझ में आ गई। अब हमारा हमारी जिम्मेदारी आती है पहले ये कि हमें अवेलेबल फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना है या एक डिक्शनरी बनानी है कि जितने भी फंक्शन है उसको अवेलेबल फंक्शंस के वेरिएबल के अंदर हमें डिफाइन करने, लाइक जो फंक्शन का नाम होगा वही उसकी वैल्यू होगी। तो ये हमने यहाँ पे नाम बता दिया और ये हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया। इसी तरह हमने ये नाम बता दिया, ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। अगर हम कुछ और फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो यहाँ पर हमें डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से स्टोर है। यहां तक बात समझ में आ गई, ये पहली जिम्मेदारी है हमारी, ये बनाना। बाकी सारा अभी तक कोड जो चल रहा है वो कॉपी पेस्ट है, सिवाय टूल्स के। टूल्स पैरामीटर में भी जो डिफाइन करना है वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन टूल्स भी हम कॉपी पेस्ट करके डॉक्यूमेंटेशन से लाए, उसके अंदर सिर्फ नाम वगैरह चेंज करना हमारी जिम्मेदारी। फिर आगे आते हैं, आगे आने के बाद हम क्या करते हैं, इंपोर्ट टाइम वगैरह इसको, चलो इंपोर्ट टाइम हमें पता है क्यों हमने दिया हुआ है, व्हाइल लूप के लिए दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमारी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू होती है। हम कहते हैं भाई पहले रन का स्टेटस निकालो। हम अगर याद हो आपको कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो हमने वाइल लूप के अंदर रन को चला रहे थे और रिट्रीव कर रहे थे कि भाई जब तक स्टेटस इसका कंप्लीट ना हो जाए इसको रिट्रीव करते रहो, इस रन को रिट्रीव करते रहो। लाइक अगर मैं जाऊं यहाँ पे, मुझे अगर वो कोड मिल जाए इजी होके, ताकि मैं आपको वो सही से समझा पाऊं। यहाँ पे हम आ गया, क्रिएट किया। ये कोड अगर आपको याद हो, यहां से कॉपी पेस्ट है कि भाई जब तक इसका जवाब ना आए आप रन को रिट्रीव करते रहो, जब तक इसका स्टेटस, ये देखिए क्यू है या इन प्रोग्रेस है या रिक्वायर एक्शन है, उसको आप रिट्रीव करते रहो, चलाते रहो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये कोड यहां से आया, ठीक है ना। तो आ जाते हैं दोबारा, बहुत ही ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा रिलैक्स होके जा रहे हैं। तो ये रिट्रीव वाला जो कोड है हमने वहां से कॉपी किया कि भाई रन का स्टेटस जो है वो ये होना चाहिए। और फिर हम कहते हैं क्या कि जब ये रिट्रीव वाला कोड इसके अंदर आ गया तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टेटस है, एक्चुअली मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता कि हमारे पास पेड की नहीं, तो वरना मैं आपको इसको रन करके बता देता कि रन का जो स्टेटस है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टेटस है जो ऊपर हमने डिस्कस भी किया था। लाइक अगर मैं यहां पर आ जाए, ऊपर मैंने देखा था, यहां पर भी नहीं है, ये स्टेटस है ना रन का, तो इसका स्टेटस है क्यू। ये क्यू या इन प्रोग्रेस या रिक्वायर एक्शन, ये तीन अगर स्टेटस इसके पास है तो ये रिट्रीव वाला फंक्शन रन होता रहे, ठीक है। अगर इसका स्टेटस इन तीन चीजों में है तो इस व्हाइल लूप को हमें चलाते रहना है। यहां तक बात क्लियर हो गई, तो ये भी कॉपी पेस्ट है। मैंने रन स्टेटस को अलग किया, उसमें से मैंने स्टेटस का स्टेटस जाना कि भाई अगर इसका एक्शन रिक्वायर है तो ये वाला इफ चलाना है। अब ये वाला इफ हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि रिक्वायर एक्शन वही है कि जब उस रन ने देखा कि भाई ये दो फंक्शन या एक फंक्शन उसने सिलेक्ट किया है, उस एक फंक्शन के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स है वो हमें दोबारा रन के पास भेजना है, और वो किस तरह भेजना है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये रिक्वायर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर इसका रन का स्टेटस रिक्वायर एक्शन है तो ये इफ चला देना है, ठीक है, ये वाला इफ चला देना है। अगर इसका स्टेटस कंप्लीट है तो कंप्लीट होने के बाद क्या है, आप जो है मैसेज की लिस्ट निकालो, उस मैसेज की लिस्ट निकाल के बाद उस मैसेज के कंटेंट को हमें प्रिंट कर दो। ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, और ये भी हमने डॉक्यूमेंटेशन से लिया है, ये रहा। ओके, तो ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है, सारा कॉपी पेस्ट है। तो हमने क्या किया कि भाई अगर जब वो कंप्लीट हो जाए तो मैसेजेस की लिस्ट निकालो, उसके ऊपर लूप चलाओ, लूप चलाने के बाद उसके लेबल को अलग कर दिया,
और हमने प्रिंट करवा दिया मैसेज के कंटेंट को। मैसेज का कंटेंट क्या है, मैसेज डॉट कॉन्टेंट डॉट जीरो डॉट टेक्स्ट डॉट वैल्यू के अंदर मैसेज का कंटेंट है वो हमें शो कर दो। और अगर ये फेल हो जाए तो प्रिंट दे दो फेल, और कुछ और चीज हो जाए तो उसका भी प्रिंट वेटिंग वगैरह कुछ दे दो। इसके अंदर व्हाइल लूप के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सब जगह ब्रेक लगाना जरूरी है, वरना व्हाइल लूप चलता रहेगा कि अगर वो कंप्लीट हो जाए तो ये स्टेटस देके ब्रेक कर दो, मतलब व्हाइल लूप को खत्म कर दो, और अगर फेल हो जाए तो व्हाइल लूप को ब्रेक कर दो, और इसी तरह कुछ स्टेटस अनएक्सपेक्टेड स्टेटस हो तब भी इसको ब्रेक कर दो। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है हमारी जिम्मेदारी कि अगर रन स्टेटस जो है रिक्वायर एक्शन के ऊपर आ जाए तो उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। बहुत ज्यादा आसान है, कोई इतना मसला नहीं है। इसको मैं ओपन करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर ये स्टेटस ये आ जाए तो भाई इसके अंदर आ जाओ कि पहले मैंने कहा इफ रन डॉट रिक्वायर एक्शन, हमने पढ़ा था अभी रिक्वायर एक्शन के अंदर सबमिट टूल्स आउटपुट से, ये अगर ट्रू हो और रन स्टेटस डॉट रिक्वायर एक्शन डॉट टूल्स आउटपुट डॉट टूल कॉल्स, टूल कॉल्स के अंदर क्या थे फंक्शंस थे हमारे, अगर ये दोनों चीजें ट्रू हो मतलब इनके अंदर कुछ हो तो इस इफ को चलाओ। और मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया कि भाई ऐसे ही जानने के लिए कि इसको हम ये वाला इफ चल रहा है और कुछ नहीं। अगर इसको आप मिटाना भी चाहें तो कोई टेंशन नहीं, मिटा दिया, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया कि अगर टूल्स कॉल्स के अंदर कुछ हो तो यहाँ पर आ जाओ, तो टूल्स कॉल्स के अंदर हमने क्या किया, टूल्स कॉल्स के अंदर हमने प्योरली एक वेरिएबल बनाया टूल्स कॉल्स के नाम से, और यहाँ पे टूल्स कॉल्स तक डिफाइन कर लिया ताकि जितने भी फंक्शन है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर आ जाए। फिर हमें एक वेरिएबल बनाना था, हमें एक एरे ऑफ डिक्शनरी जो है रन के पास जमा करवानी है। क्यों जमा करवानी है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट और उस फंक्शन की आईडी को हमें निकाल कर यहाँ पे पास करना है, और ये जो है हमें दोबारा रन के पास जमा करवाना है। ये हमारा टास्क है, इन शॉर्ट ये हमारा टास्क है कि इन फंक्शन, इसके अंदर जितने भी फंक्शन है, एक तो हमें उनकी आईडी रिक्वायर है और उसके साथ उसका रिस्पॉन्स रिक्वायर है, उसका हम एक ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी बना के उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, अपेंड करेंगे, और इस पूरे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को हमें दोबारा रन के पास जमा करवाना है जो डॉक्यूमेंटेशन में हमें बताया गया है। ये हमारा टास्क है। तो हम ये काम कैसे करेंगे, हम चलाएंगे फॉर लूप इसके ऊपर कि भाई इसके ऊपर फॉर लूप चलाओ, क्योंकि इसके अंदर हमने तमाम फंक्शन ले लिए। जब फॉर लूप चलेगा तो पहले हमने फंक्शन का नेम अलग किया कि भाई टूल्स कॉल्स के अंदर जो फंक्शन नेम है वो अलग करो और इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो अलग करो, आर्गुमेंट अलग हो गए। फिर हम कहते हैं कि अगर इफ फंक्शन नेम अवेलेबल फंक्शन के अंदर है, अगर ये जो फंक्शन नेम है ये अवेलेबल फंक्शन के अंदर मौजूद है तो फिर ये वाला इफ चलाओ। अब नेस्टेड इफ जा रहे हैं, ठीक है, नेस्टेड जा रहे हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उस फंक्शन को अलग कर दिया अवेलेबल फंक्शन से। किस तरह अलग किया कि भाई ये इस तरह से अलग हो जाए कि अवेलेबल फंक्शन के अंदर हमने इसको बाय नेम जो है गेट कर लिया और इसको इस वेरिएबल में सेव कर लिया। और इस वेरिएबल में सेव करने के बाद यहां तक बात क्लियर हो जाती है और ये भी फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, फॉर लूप में इफ चल रहा है। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि अब दो इफ है, अब दो इफ है, अगर यहाँ पे मैं देखूं अब दो इफ है, ठीक है, ये और ये, हमने दो फंक्शन बनाए थे, दो फंक्शन ऊपर डिफाइन किए थे। हम कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर ये वाला फंक्शन है, अगर इसके अंदर ये फंक्शन है तो भाई पहले तो ये काम कर लो। इसके अंदर क्या काम करना है कि इस फंक्शन को जो है कॉल करो, मतलब इसका जो भी रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बनाया, इस फंक्शन को हमने कॉल किया, कॉल करने के साथ इसके ऊपर जो हमने आर्गुमेंट दिए हैं यहाँ पे निकाले हैं उस आर्गुमेंट को पास किया और उसके रिस्पॉन्स को यहाँ पर सेव किया और उस रिस्पॉन्स को हमने टूल्स के अंदर अपेंड कर लिया। किस तरह अपेंड किया कि एक तो उसकी फंक्शन की आईडी दे दी, जो भी यहां से हमने डिफाइन करके आईडी दे दी, मतलब यहां से हम इजीली कर सकते हैं ना, जब हमारे पास फंक्शन आ गया तो पूरे ऑब्जेक्ट के साथ आया, तो हमने इसकी यहाँ पे आईडी निकाली और इसके रिस्पांस की एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट को हमने अपेंड कर दिया टूल्स कॉल के अंदर। ये वाला इफ चल गया कि भाई जब ये वाला फंक्शन अगर मौजूद है तो ये वाला इफ चलाओ। और इसके साथ फिर हमने क्या किया, इसके साथ फिर हमने यही काम एल्स में किया कि भाई अगर गेट निकनेम वाला भी फंक्शन है तो फिर ये वाला भी कोड चला दो, तो फिर ये वाला कोड भी चला दो। और ये कोड में भी यही वाला काम हो रहा है जो ऊपर वाले इफ में हो रहा है कि भाई इसको कॉल करो, इस रिस्पांस के अंदर सेव करो और उसकी उस रिस्पांस को इस टूल आउटपुट के अंदर अपेंड कर दो और कुछ भी नहीं किया।
ठीक है। तो इस तरह हमें अगर और भी फंक्शन होते और भी होते तो हम इसको else if करते जाते, ठीक है। मतलब इसके अंदर दो फंक्शन और होते तो हम इसको else if करके उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते और यहाँ पे उसका नाम चेंज कर देते और कुछ भी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो इस दो स्टेप से कर हमने क्या काम किया, इस दो स्टेप से कर हमने अपनी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कि टूल्स आउटपुट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जिसके अंदर हमारा फंक्शन की आईडी और उस फंक्शन का रिस्पांस है जो कि हमें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, कहाँ पे चला गया, फंक्शन कॉलिंग टूल्स के अंदर फंक्शन कॉलिंग, और फंक्शन कॉलिंग के अंदर ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। टूल्स आउटपुट के अंदर हमें एक तो एरे ऑफ डिक्शनरी जमा करनी है और उस डिक्शनरी में जो ऑब्जेक्ट होगा एक तो फंक्शन की आईडी होगी और उसका रिस्पांस होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है इसके अंदर जमा करवाना, ठीक है, रन के अंदर जमा करवाना। तो यहां तक हमने अपनी, अगर कोड के ऊपर आए तो हमने ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और टूल्स आउटपुट के अंदर हमारे पास एरे ऑफ डिक्शनरी आ गई विद फंक्शन आईडी ऑफ उस फंक्शन का रिस्पांस या आउटपुट। जब ये चीज हमारे पास आ चुकी है तो हमें क्या करना है, हमें तो उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। इसको जरा सा मैं, अब एरे ऑफ डिक्शनरी हमारे पास बन चुकी है, ठीक है, टूल्स आउटपुट हमारे पास बन चुका है, तो हमें क्या करना है, उस कोड को कॉपी पेस्ट करना है और उसको पास कर देना है। ये देखे, ये वही कोड है, सारा वही कोड है, उसको हमें सिर्फ टूल्स आउटपुट पास कर देना है। रन उसको दोबारा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पांस आया है उस रिस्पांस को अपने पास प्रोसेस करेगा, अपने स्टेटस को कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद हमने जो क्या किया, मैसेज को रिट्रीव किया, उसमें से मैसेज की लिस्ट को निकाला, थ्रेड की मैसेज को लिस्ट को निकाला, क्योंकि रन ने जो भी प्रोसेस किया जब उसका स्टेटस कंप्लीट हो गया तो उसके अगेंस्ट उसने हमारे थ्रेड के अंदर एक मैसेज को पुट कर दिया कि भाई इसका जवाब ये है। तो हमने थ्रेड के अंदर मैसेजेस लिस्ट को गेट किया और उस मैसेज लिस्ट को गेट करने के बाद उसके ऊपर लूप चला के उस मैसेज को शो कर दिया। तो इस तरह से कर फंक्शन कॉलिंग एपीआई, असिस्टेंट एपीआई के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। और चेक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी सेम ही तरीका था, बस उसके अंदर हमें ये सारी चीजें खुद करनी पड़ रही थी। कौन सी, कि मैसेज को भी साथ में हमें ही पास करना पड़ रहा था। लेकिन अब समझने की चीज ये कि जो ये हमारी जिम्मेदारी है, मैंने आपसे कहा था कि ये कोड जो है हमारी जिम्मेदारी है, इतना सा कोड जो है हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी है ना, ये भी वन टाइम है, मैंने कोड लिख लिया, अब मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। अब अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट, जो हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर तो हम सिर्फ फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम मुख्तलिफ होगा और तो कुछ नहीं होगा, उसके अंदर कुछ एपीआई आ रही होगी तो वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है, वो तो उसके अंदर आ रहा है, वो एलएलएम के पास जा रहा है जेसन की फॉर्म में, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, हमें तो सिर्फ उसका नाम से ताल्लुक है। तो वो नाम हमें सिर्फ अवेलेबल फंक्शन में नाम बदलने हैं, यहाँ पे हमने अवेलेबल फंक्शन कहाँ डिफाइन किए थे, ये रहे अवेलेबल फंक्शन, अवेलेबल फंक्शन में सिर्फ हमें नाम डिफाइन करने हैं और इसके साथ साथ ये इफ एल्स के अंदर भी बाकी ये सारा कोड जो है ना, ये सारा कोड ऐसे ही रहेगा, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, ये सारा कोड ऐसे ही रहेगा, यहां सिर्फ हमें ये नाम पास करने हैं, जितने फंक्शन उतने इफ एल्स, और कुछ भी नहीं करना, मुझे यकीन मानो कुछ भी नहीं करना, ये सारा कॉपी पेस्ट, ये फंक्शन ये सब ऐसे ही रहेंगे उस प्रोजेक्ट जब हम करेंगे, जो बस फर्क ये है कि जो फंक्शन हम ऊपर डिफाइन करेंगे उसके उतने ही इफ एल्स बना के उसको रीनेम कर देंगे, बाकी सारा कोड ऐसे ही रहेगा। और हाँ, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स जो है उनके नाम बदलने पड़ेंगे, लाइक उसके अंदर जो पैरामीटर होंगे हमें वही पैरामीटर यहां दे देने होंगे, बाकी ये सारा कोड रिस्पॉन्स ये वो ये सारा एज इट इज रहेगा। और इसके साथ साथ ये जो टूल्स है, इस टूल्स को जो है अपडेट करना हमारी जिम्मेदारी होगी, इसके अंदर जो फंक्शन के नेम और पैरामीटर के जो नेम होंगे और जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी उसको हमें चेंज करना होगा और कुछ भी नहीं करना, बाकी ये सारा कोड एज इट इज रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।